एवरी वन माई नेम इस दीक्षिका गोस्वामी वेलकम बैक टू द YouTube चैनल ऑफ टेस्ब सुपर कोचिंग एक क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली इस वक्त प्रेजेंट है और क्योंकि डिले होते जा रहा है डेट्स में और क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो कि पोस्टपोन हो चुके हैं तो आपके मन में ये सवाल है कि सी एस आई आर नेट का एग्जामिनेशन भी पोस्टपोन होगा क्या तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ देखिए पहले अगर हम प्रीवियस ट्रेंड्स के बारे में बात करें कि नोटिफिकेशन कब रिलीज़ हुआ था तो नोटिफिकेशन रिलीज डेट का लगभग हम बोल सकते हैं कि दो महीने से लेके एक महीने तक का गैप होता है बिटवीन द नोटिफिकेशन डेट मतलब एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करने के डेट से और आपका एग्जामिनेशन होने के डेट के बीच में ठीक है तो अब अगर हम इस हिसाब से बात करें हमारा जून में एग्जामिनेशन है इट इज़ अप्रैल अप्रैल में एंड जून मिड में कहीं अगर एग्जामिनेशन होता है तो उसके हिसाब से अप्रैल uh, के आसपास आपका नोटिफिकेशन मतलब अप्रैल मिड के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए अप्रैल एंड तक भी आएगा तो भी एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करवा देंगे कोई बड़ी बात नहीं है प्रीवियसली भी वो ऐसा कर चुके हैं ठीक है ये पहला पॉइंट हुआ सेकेंड पॉइंट जो मैं आपके सामने मैंशन करना चाहती हूँ वो ये है कि यू का एग्जामिनेशन भी आपको पता है कि सी एस नेट के एग्जामिनेशन के आसपास होते हैं पहले यू होता है इन जनरल बाद में सी एस नेट होता है तो सी यू जी सी के नेट का नोटिफिकेशन का जो डेट है वो लगभग ऑफिशियली uh, अनाउंस कर दिया है जो यू जी सी के चेयरमैन हैं उन्होंने उन्होंने बोला है कि कि नेक्स्ट uh, एक वीक के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा मतलब एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल कर होना शुरू हो जाएंगे और उन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला कि कोई भी चांसेस uh, हैं कि एग्जामिनेशन की डेट जो है वो आगे बढ़ने वाली है या जून में ना हो के वो आगे कभी होगा नहीं तो दैट मीन्स कि एग्जामिनेशन आपका यूजीसी का जून में ही होने वाला है एज़ इट इज़ तीसरा पॉइंट जो मैं बोलूँगी आपसे वो ये होगा कि क्योंकि आपके बाकी के एग्जाम्स जो हैं उनकी डेट कहीं ना कहीं इलेक्शन की डेट के पहले थी इलेक्शन डेट मतलब इलेक्शन के समय में या उसके साथ क्लैश कर रही थी या फिर क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज़ होते हैं जिनको कि मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं वो इलेक्शन में लगते हैं बहुत सारी ड्यूटीज़ लगती हैं बहुत सारे कॉलेजेस या बहुत सारी जगह जो है वो यूटिलाइज़ हो रही होती है इलेक्शन में ही तो क्योंकि हमें पता है कि जितना हमारा मैन पावर है उसको हमें बहुत सारी जगह यूटिलाइज़ करना है ऑलरेडी तो इसीलिए उन एग्ज़ाम्स को कहीं ना कहीं पोस्टपोन किए जाने की बात होती है बट अगर मैं सी एस की बात करूँ तो चार जून का आपका रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का उसके बाद में हमारा एग्ज़ाम इन जनरल भी होना था फर्स्ट वीक ऑफ जून या सेकेंड वीक ऑफ जून के आसपास तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं मान के चल सकते हम कि आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने वाला है ये मैं एकदम बहुत ही जेनुइन बात बोल रही हूँ आपसे अब इसके बाद अगर एग्जामिनेशन पोस्टपोन होता है लेट्स से अज्यूम बाई अ वीक बाई मंथ और सो जिसके होने के चांसेस लगभग पॉइंट भी मेरे हिसाब से तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप मान के मानना चाहते हैं कि होगा एग्जामिनेशन पोस्टपोन तो अगर इनकेस होगा भी तो आपको वो डेज़ जो है वो एक्स्ट्रा डेज uh, जो है वो मिल जाएंगे एंड ऑन दैट बेसिस आप ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा अगर होगा तो बेनिफिट ही होगा ठीक है तो ये तीन चार पॉइंट्स हमारे सामने यहाँ पर आ जाते हैं जिसके बेसिस पे आई कैन लाइक विद फुल श्योरिटी से कि नहीं आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं होने वाला है तो आप बिल्कुल उतनी ही मेहनत से उसी स्पीड से उसी एक पैटर्न से अपनी तैयारी को करते रहिए जिससे जिस स्पीड से और पैटर्न से आप अपनी तैयारी को कर रहे थे अभी तक ठीक है ये एक बात हो गई दूसरी बात आप सबको पता है कि कंपटीशन हाई है, है प्लस आपके नेट स्कोर की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है एक नए नोटिफिकेशन या नए रूल्स आने के बाद में क्योंकि उसके बेसिस पर आपका एडमिशन भी होना है अब ठीक है उसके बेसिस पर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी तो मेक श्योर कीजिए कि आप इन चीज़ों को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे हैं देखो जो बच्चा इन चीज़ों में पढ़ा रहेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा है ना हाँ आई अंडरस्टैंड क्यूरियोसिटी होती है क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई करे होते हैं तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आने से वो चीज़ बहुत स्ट्रेंदन अप होती है बट दैट डज़ नॉट मीन क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं वो उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर नहीं रहे होते ठीक है तो मैं आप सबको यही सलाह दूंगी कि इस समय पे इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस हमें नहीं करना है कि एग्जैक्टली exactly क्या होने वाला है क्या होगा एटसेकट्रा एटसेकट्रा आपको फोकस मेन होना चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन जून में हो जाएगा नोटिफिकेशन वेरी सुन रिलीज हो जाएगा अब उसके हिसाब से अपनी तैयारी को आप करते रहिए ठीक है थीके? बाकी आप लोगों के लिए बूस्टर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम टेंथ ऑफ अप्रैल से जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो करवाए जाएंगे उसके लिए आपको कोड यूज़ करना है दीप शिखा यहाँ जब आप बूस्टर कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो साथ में आपको आप अचीवर्स बैच की सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं प्लेटफॉर्म का तो जो बाकी के कोर्सेज चल रहे हैं बाकी का अचीवर्स बैच चल रहा है कंप्लीट लाइव बैच फुल सिलेबस का वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं ठीक है इसके अलावा मेरी दो फ्री क्लासेस होती हैं 8:30 थर्टी पी एम एंड वन पी एम एट थर्टी ऑन यूट्यूब एंड वन पी एम ऑन टेक्स्टबुक का ऐप दोनों जाकर आप देख सकते हो अगर आप यहाँ प्रेजेंट हो आपको वीडियो अच्छे लगते हैं मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है थर्टीनथ ऑफ तो अप्रैल को थर्टीनथ ऑफ तो अप्रैल को सुबह आठ बजे से लेकर रात में बारह बजे तक आप ये टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं तीस मिनट का आधे घंटे का टेस्ट होगा और नाइन्टी परसेंट तक स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं और जब सब्सक्रिप्शन आप ले रहे होंगे तो यहाँ पे आपको बुक्स भी मिल रही होंगी बट मेक श्योर आप इस कोड को यूज़ करना ना भूलें विच इज़ माई नेम दीप शिखा इससे आपको काफ़ी सारा एक्स्ट्रा डिस डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है ठीक है टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज इसमें सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पी सब कुछ आपको यहीं मिल रही होती हैं तो मेक श्योर इस ग्रुप का पार्ट आप ज़रूर हैं जैसे कि बाकी कई हज़ार बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट है ठीक है तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन अपना ख्याल रखिए मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है साढ़े आठ बजे आपके लिए हम डी की मैराथन भी लेकर आ रहे हैं तो मेक श्योर sure आप उसको भी जरूर देख रहे हैं अपना ख्याल रखो टेक केयर एवं गुड बाय बाय अ गुड डे